हाल ही में ढोल और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में कॉमेडी करने वाले अभिनेता राजपाल यादव ने अपने झड़ते बालों से परेशान होकर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिसे करवाने के बाद वो काफी खुश हैं और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में क्या क्या होता है, बाल झड़ते हैं या नहीं, और इन सवालों के जवाब देने आज की इस वीडियो में हम आपको आए हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता राजपाल यादव ने हेयर ट्रांसप्लांट कराकर एक नया हेयर लुक ले लिया है। एक्टर अब अपने घने बाल पाकर काफी खुश है। ऐसे में इन्होंने फैंस के साथ भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में कितना दर्द होता है, बाल झड़ते हैं या नहीं। दरअसल मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते स्टार्स को सबसे ज्यादा परेशानी झड़ते बालों को लेकर आ रही है। कई स्टार्स बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं और अपने हेयर फॉल को लेकर टेंशन में रहते हैं। इसी टेंशन से बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव भी काफी परेशान थे, इसलिए एक्टर ने हेयर ट्रांसप्लांट कराकर अपने लुक को फिर से डैशिंग बना लिया है। इसी के साथ बता दें कि राजपाल यादव ने अपने हेयर ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि वैसे तो हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। बस ऐसा फील हुआ कि जैसे चींटी घूम रही है। आगे एक्टर ने यह भी बताया कि मेरा जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी शूटिंग शुरू हो गई, मुझे सारे बाल कटवाने पड़े। मुझे डर लग रहा था कि असली और लगे हुए बाल जमेंगे या नहीं, मेकअप और प्रदूषण की वजह से मुझे डर लग रहा था। पर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मेरे बाल आए तो लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मेरे बालों की इतनी नेचुरल ग्रोथ हुई है कि देखने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, एकदम 100% रिजल्ट है। वहीं एक्टर ने फैंस से ये भी कहा कि आपको सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि अगर आपका ट्रांसप्लांट हो रहा है और सर्जरी में समय कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस क्लिनिक में प्रॉपर क्रिटिकल हेयर टीम है या नहीं, इस बात को पहले ही जांच लें। वेल दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको अभिनेता राजपाल यादव का लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।